दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई आपको परेशान कर रहा है या आपकी कंप्लेंट पर कोई सुनवाई नहीं होता है तो आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री को कंप्लेंट कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। सभी स्टेट के मुख्यमंत्री को कंप्लेंट कर सकते हैं। सबका वेबसाइट अलग अलग रहेगा बट प्रोसेस लगभग सेम रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको मुख्यमंत्री को ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करेंगे पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। किसी भी मुख्यमंत्री को कंप्लेंट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। सिंपली टाइप करना है कंप्लेंट टू सीएम और आपको स्टेट का नाम लिख देना है। उसके बाद आपको एंटर करना है तो यहाँ पे सर्च होके आ जाएगा। ठीक है, सेम आप इसी तरीके से एमपी में करना चाहते हो आपको लिख देना है एमपी। एमपी का यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट वाला वेबसाइट जो होगा उसी से आप कंप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको एक ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको शिकायत मांग दर्ज करे पे क्लिक कर देना तो यहाँ से आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको अपने स्टेट का नाम लिखना है। पहले लिखना है कंप्लेन टू सीएम और आपका जो भी स्टेट है उस स्टेट का नाम आपको लिख देना। जैसे कि मैं यहाँ पे यूपी लिख देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा जन सुनवाई समाधान उत्तर प्रदेश। सिंपली आपको ऐसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कंप्लेन करना होगा। ठीक है, सभी स्टेट के कंप्लेन करना सेम है तो आप इस तरीके से ही कंप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको यूपी का लाइव करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आप सभी तरीके का कंप्लेन कर सकते हैं। एंटी करप्शन कंप्लेंट्स, ठीक है, पुलिस कंप्लेंट्स, आईजीआई कंप्लेंट्स, जो भी आपका जिससे भी प्रॉब्लम है, जिस डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम है उस डिपार्टमेंट को आप कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे शिकायत पंजीकरण है और शिकायत की स्थिति है, तो पहले आप कंप्लेन करेंगे, उसके बाद आपको शिकायत की स्थिति देखना होगा। उसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर भेजे है और आपकी प्रतिक्रिया मतलब कि आपका फीडबैक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे आपको पहले शिकायत पंजीकरण करना दिखाता हूँ। सिंपली आपको शिकायत पंजीकरण पे क्लिक करना है तो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आप इस तरीके के कंप्लेंट यहाँ पे नहीं कर सकते। सूचना के अधिकार से संबंधित मामला, ठीक है, कोर्ट में कोई मामला चल रहा है तो उसका शिकायत नहीं कर सकते। ना यहाँ पे आप कोई सुझाव दे सकते हैं और आर्थिक सहायता या नौकरी दिए जाने की मांग नहीं करते। यहाँ पे आप पैसा नहीं मांग सकते हैं और ना ही नौकरी मांग सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पांचवा है सरकारी सेवकों की सेवा संबंधी प्राकरण स्थानांतरण सहित जब तक कि उन्होंने विभाग से उपलब्ध विकल्पों का उपयोग न कर लिया। आप इस तरीके का भी कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक मार्क पे क्लिक करना, मैं सहमत हूँ। उसके बाद सिंपली आपको सबमिट करें पे क्लिक कर देना है। सबमिट कर जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे नया टैब में ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। अगर मोबाइल नंबर नहीं डालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना है। जो भी कैप्चा शो करा उस कैप्चा को फिल करके आपको सिंपली ओटीपी भेजे पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ओटीपी फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद सिंपली आपको सबमिट करें पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करें पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्लेंट को टैप करना होगा, कंप्लेंट डिटेल्स देना होगा। ठीक है, अगर आप सिंगल कंप्लेंट कर रहे हैं तो आपको इस पे चेक मार्क नहीं करना। अगर आप ग्रुप में मतलब कि सामूहिक शिकायत कर रहे हैं तो आपको इस पे चेक मार्क कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम, पिता का नाम डाल देना है। ठीक है, अगर आप सिंगल कंप्लेंट करना चाहते हैं तो इसको अनचेक रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। यहाँ पे आपको पिता पति का नाम डाल देना है। यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। अगर आप दूसरा मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी आपका पहले से डाला हुआ रहेगा और आपको आधार संख्या डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे संदर्भ का विवरण, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे संदर्भ का विवरण है। यहाँ पे आपको एक डिपार्टमेंट को चूज करना होगा। जो भी जिस भी डिपार्टमेंट में आप कंप्लेन करना चाहते हैं सिंपली आप उस डिपार्टमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट मतलब कि सभी डिपार्टमेंट यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में कंप्लेन करना चाहते हैं सिंपली आप उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा उसका कैटेगरी। ठीक है, आप इस डिपार्टमेंट में जो भी कैटेगरी होगा उस कैटेगरी को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे तो उसका सब कैटेगरी भी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका कैटेगरी है कंप्लेन का उस कंप्लेन कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आवेदन पत्र का विस्तृत विवरण देना है, मतलब कि आपको यहाँ पे हिंदी में टाइप करना होगा। ठीक है, इसके लिए आप गूगल इनपुट टूल की मदद से हिंदी में टाइप कर सकते हैं। सिंपली आपको सर्च करना है गूगल इनपुट टूल हिंदी। ठीक है, इस पर टाइप करके सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में आ जाएगा गूगल इनपुट टूल। इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे हिंदी में टाइप कर देना है। ठीक है, यहाँ से आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना कंप्लेंट हिंदी में टाइप कर देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, नहीं तो अगर आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्ले स्टोर में गूगल इनपुट टूल या गूगल इंडिक टूल मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप आसानी से मोबाइल में भी टाइप कर सकते हैं। कंप्लेंट आप मोबाइल से भी कर सकते हैं और डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे आपको कंप्लेंट टाइप कर देना है। कंप्लेंट टाइप करने के बाद एड्रेस फिल करना होगा। एड्रेस फिल करने के सबसे पहले आपको यहाँ पे जनपद मतलब कि आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना तहसील सिलेक्ट करना, जो भी तहसील है आपका उस तहसील को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तहसील सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको विकासखंड मतलब कि आपको विकासखंड को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। विकासखंड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ग्राम पंचायत है उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको राजस्व ग्राम सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद राजस्व ग्राम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना पुलिस स्टेशन थाना का नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कंप्लेन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे विश्वविद्यालय का नाम आ जाएगा, उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपका शिकायत किसी और डिपार्टमेंट में है तो आपको वहाँ पे उस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट दिया गया है, तो आपको जिस भी डिपार्टमेंट में कंप्लेन करना है सिंपली आपको उस डिपार्टमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एड्रेस तो फिल कर दिए हैं। अगर आपका एड्रेस और ये एड्रेस सेम है तो आपको उपयुक्त अनुसार पे क्लिक कर देना, तो आपका एड्रेस यहाँ पे फिल हो जाएगा। अगर आपका ये एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है तो आपको यहाँ पे एड्रेस टाइप कर देना, ठीक है, जो कि आपको हिंदी में ही करना होगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे संदर्भ का दस्तावेज एवं पुराने संदर्भों का विवरण, अगर आप पहले कंप्लेंट कर लिए हैं तो यहाँ पे आपको चेक मार्क कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पहले का जो भी कंप्लेंट नंबर मिला है आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर, वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। अगर आप दो बार कर दिए तो आप दूसरा भी एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। अगर आप पहली बार कंप्लेंट कर रहे हैं तो आपको इसे अनचेक करने देना है, यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, ठीक है। अगर आपके पास उस कंप्लेंट के रिलेटेड जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसे आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, अदरवाइज इसे आप अपलोड नहीं भी कर सकते हैं। जो भी मतलब कि अगर आप कंप्लेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे तो आपके कंप्लेंट पे जल्द से जल्द सुनवाई होगी, क्योंकि उसके पास भी एविडेंस रहेगा, तो आप बहुत ही आसानी से आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आप पेन से लिख रखे हैं कॉपी पे, उसे भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप जिस भी रिलेटेड से कंप्लेन कर रहे हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपके पास जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसे आप अपलोड करें, ताकि आपका कंप्लेंट बहुत जल्द सॉल्व हो जाए, क्योंकि एविडेंस भी मांगेगा, तो आप एविडेंस भी दिखा सकते हैं कि ये एविडेंस है, तो आपका कंप्लेंट बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ये आप फॉर्मेट क्या क्या देख सकते हैं, PDF में अपलोड कर सकते हैं, JPG में अपलोड कर सकते हैं, JPEG में अपलोड कर सकते हैं, PNG में अपलोड कर सकते हैं। उसका साइज 500 KB तक का ही होना चाहिए, 500 KB तक का नहीं, अगर 500 KB से ज़्यादा होगा तो ये मान नहीं होगा, तो आपको ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, संदर्भ सुरक्षित करें पे क्लिक कर देना है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं संदर्भ का विवरण में आपको शिकायत करना है या आपको मांग करना है तो मांग पे क्लिक करेंगे, अगर आपको सलाह देना है तो आप सलाह पे क्लिक करेंगे, अगर आपका किसी और तरह का शिकायत है या और तरह की कोई बात है तो आप अन्य पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको शिकायत करना बताया हूँ, तो आपको शिकायत पे क्लिक कर देना, अगर आपका मांग रहेगा तो आप मांग पे क्लिक करेंगे, अगर आपका कोई सलाह रहेगा तो आप सलाह पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप संदर्भ सुरक्षित करने पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा और आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे भी आ गया होगा, तो इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इसे नोट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ओके पे क्लिक कर देना। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ डेमो के लिए दिखाया था कि आप ऐसे कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपको ओके पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करने के बाद आपको बैक आ जाना होम पेज पे, होम पेज पे आने के बाद आपको शिकायत की स्थिति पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका कंप्लेंट का क्या स्टेटस है। नंबर टाइप करना है, कंप्लेंट नंबर टाइप करने का आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों में से एक दे सकते हैं। उसके बाद जो भी कैप्चा शो कर रहा है उस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने का आपको सिंपली सबमिट कर पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपका स्टेटस आ जाएगा कि आपका कंप्लेंट का भी क्या स्टेटस है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से अपना स्टेटस भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कंप्लेंट दिए हुए टाइम पे सॉल्व नहीं होता है तो आप रिमाइंडर भेज सकते हैं, मतलब दिया हुआ टाइम आपको रहेगा 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, तो उस बीच में अगर आपका कंप्लेंट सॉल्व नहीं होता है तब आप रिमाइंडर भेज सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारा कंप्लेंट इसके पास आता है। जो भी अधिकारी इस कंप्लेंट को सॉल्व करते हैं उसके पास बहुत सारा कंप्लेंट आता है, तो आपका हो सकता है कंप्लेंट ना दिखे हो, इसलिए आपको रिमाइंडर भेजना ताकि वो कंप्लेंट को देख सके, ठीक है। सिंपली आपको रिमाइंडर पे क्लिक करना है। रिमाइंडर पे क्लिक करने के बाद
सिंपली आपको यहाँ पे शिकायत संख्या डाल देना है, उसके बाद सिंपली आपको खोजे पे क्लिक करना है। खोजे पे क्लिक करने के बाद ये कंप्लेंट अंडर प्रोसेस में है, इसलिए यहाँ पे आप रिमाइंडर भेज नहीं सकते। जैसे यहाँ पे डेट खत्म हो जाएगा, अगर आपको जो भी टाइम दिया गया उस टाइम से पहले आपका सॉल्व नहीं होता है, ठीक है, तो आप रिमाइंडर यहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बाइक आना है। बाइक आने के बाद अगर इन केस आपका कंप्लेन सॉल्व हो जाता है तो आप यहाँ पे फीडबैक भी दे सकते हैं। जो भी आपका फीडबैक होगा वो फीडबैक आप यहाँ पे दे सकते हैं। सिंपली आपको आपकी प्रतिक्रिया पे क्लिक करना हो तो आप यहाँ से फीडबैक दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। मुख्यमंत्री से आप किसी भी डिपार्टमेंट का कंप्लेन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से घर बैठे। दोस्तों जब आप यहां कंप्लेन कर देंगे तो आपको 10 से 1 महीना वेट करना होगा, इसके अंदर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप रिमाइंडर डाल सकते हैं, क्योंकि कंप्लेन बहुत ज़्यादा आता है। जो भी अधिकारी कंप्लेन को सॉल्व करते हैं जिस डिपार्टमेंट में, तो उसके पास बहुत सारा कंप्लेन आता है, तो वो जल्दी देखते भी नहीं है। तो आपको अगर आपके दिए हुए टाइम से सॉल्व नहीं होता है तो आपको रिमाइंडर भेज देना, तो आपका कंप्लेंट 100% सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लें। इससे यह होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।